तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम में, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी यूथ जिनकी जो जो प्रॉब्लम्स है
वो मुझसे कम्युनिकेट करे। हमारे ब्रदर जो है स्टार्टअप्स को फंडिंग करते हैं, पॉवर्टी को हम लोग डिफेंस करते हैं, मेडिकल की किसी को असिस्टेंट चाहिए, वे आर देयर, बट ओनली वी वांट द पीपल जो इंटेग्रिटी के साथ आए। इट शुड नॉट बी द फेक प्रोफाइल, वी आर देयर टू हेल्प देम। उनको जिस लेवल पे चाहिए बहुत जल्दी आप मुझे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स में देखें। सो आई वांट कि इस तरह से आप लोग इसी तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे, इसी तरह से जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको एक्सपोज किया जाए और सभी को इक्वल नजर से देखा जाए। मेरा मुश्ताक अंसारी है, माई प्रेसिडेंट, मैं मुंबई का हूँ और बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ। और हमारे जो रोड्स हैं मुंबई के रोड्स, हमने काफ़ी देखे सड़क हमारे, कभी आज तक का एक परफेक्ट सड़क नहीं गई। जैसे कि बोलते हैं हर मानसून में बारिश में खड्डे आते हैं और हमेशा वही हर साल वो होता है, बारिश में खड्डे आने के बाद ट्रैफिक जाम होता है, लोगों की डेथ होती है, लोग इंजर्ड हो जाते हैं, गाड़ियाँ डैमेज होती है। तो उसके ऊपर हमने कैंपिंग स्टार्ट किया था 8 अप्रैल 2018 में, मैं और मेरा फ्रेंड इरफान मच्छी वाला, हमने कैंपिंग स्टार्ट किया। हम खुद जाकर जितने भी पोर्टल दिखते थे रोड के ऊपर, हम खुद अपने हाथों से आके भरते थे उसको डेब्रिज से। हमारे पास मटेरियल नहीं था, हमें डेब्रिज मिलता था हाईवे के पास, हम उस पर ईटा पत्थर लेके, हम हैमर्स लेके उस पर ठोक के उसको जो भी गड्ढा रहता था गहराई उसकी कम करते, ताकि जो भी आने जाने वाले लोग के लिए आसान हो जाए, वहाँ पे आराम से गुजरे, वहाँ पे कोई हादसा ना हो। इसी तरह हमने 383 पोर्टल्स हमने फिलअप किया है और हम चाह रहे हैं कि काफ़ी सारे मुंबईकर्स भी हमारे साथ जुड़कर सड़क पर उतर के खुद से पोर्टल भरेंगे, क्योंकि खुद से भरेंगे तो जितने भी पोर्टल होने की समस्या वो दूर हो जाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है, भीम से काम है या गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम तो है ये, पर इसमें हमें इमीडिएट एक रिलीफ दे, फर्स्ट एड फॉर द पोर्टल, एक रेस्क्यू है, मतलब जैसे कि जो डर है गिरने का वो कम हो जाता है। और साथ ही साथ आप बी एम सी को कंप्लेंट भी दो, क्या यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर आप फिलअप करो, वो भी फिलअप करेंगे, पर उसके बीच में जो गैप आता है कंप्लेंट देने के और आपके देखने के बीच में जो गैप आता है वो हम फिलअप करते हैं। तो ये भरने के लिए टाइम लगता है, इमीडिएट तो भरेगा पहले, क्या होगा अच्छा पहला तो हम 60 साल के जो सीनियर सिटीजन है, जो बच्चा बड़ा होने के बाद माँ बाप को घर से बाहर निकालते हैं, तो जो रोड पे जैसे 60 साल के जो सीनियर सिटीजन जो पड़े हुए उनको देखिए पेंशन खाने का खाना पूछते हैं, दो टाइम का खाना पेंशन पहुँचने के लिए। इससे दूसरी सेकेंड जो प्रोजेक्ट पेंशन मनुष्य का जो चल रहा है, जो महिलाएँ जो हाउस पैक होने के बाद एक जो लेडी जो होती है वो बच्चा और घर के संसार में बिजी रहती है और घर में कुछ काम काज कुछ करती नहीं, तो प्रतीक्षा फाउंडेशन यही गरीब उस महिलाओं को डोर टू डोर जाके घर में एक बिजनेस दे। नाम भी जैसे एक तारा है स्टार, और मुझे लगता है कि इनसे बड़ा कोई स्टार नहीं होता जो समाज सेवा करता है। आजकल तो आपको पता है सोशल वर्क किया जा रहा ओनली फॉर सोशल नेटवर्क, फोटो निकालते हैं और फोटो डाल देते हैं, लेकिन ये लोग सच्चे हैं, गांव-गांव जाके छोटे छोटे जगह पर जाके रक्तदान करना हो, शिविर करना हो, किसी के लिए कुछ बचाना हो, कोई हर तरह का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तरह फाउंडेशन को और उससे जुड़े हुए तमाम फाउंडेशन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जहाँ पर आज के ज़माने में काफ़ी सारे फ्रॉड NGO चल रहे हैं, ट्रस्ट के नाम पे उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है, ट्रस्ट नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को मैं एक तरह फाउंडेशन और ऐसा सभी ईमानदार ट्रस्ट के साथ में मैं खुद भी जुड़ना चाहूँगा और आप सब भी जुड़िए, ऐसा मैं निवेदन करूँगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप में मुझे रानू मंडल फील कर रहा हूँ अपने आप में। मेरा नाम बताऊंगा, मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है और मेरे ट्रस्ट का नाम रामराज शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है। रामराज वर्ड जो है वो मेरे मम्मी और पापा के इनिशियल नाम पर रखा गया हुआ है, एंड दिस इज 6 years old ट्रस्ट। वी वर्क अंडर एजुकेशन, एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सीनियर सिटीजन्स के लिए कॉज करते हैं हम लोग ट्री प्लांटेशन व एनवायरनमेंट के थ्रू काफ़ी काम करते हैं, और एजुकेशन टू ऑल नाम की एक अभियान चला है हमने, जिसमें अब तक हम लोगों ने 1000 अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन को सपोर्ट किया हुआ है। हम लोगों ने करीब 40 ऑपरेशन करवाए हैं अपने फंड रेजिंग द्वारा। मेरा नाम राजश्री होल्डर है, मेरे NGO का नाम उद्गम फाउंडेशन है। मैं बेसिकली अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए काम कर रही हूँ और यंग गर्ल्स के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो सफ़र करती है लड़कियाँ या रेप पीड़ित है, और मैं ये चाहती हूँ कि
इन लड़कियों को समाज में कुछ नाम मिले, कुछ काम मिले, क्योंकि ऐसी लड़कियों को कोई पूछता नहीं है, उनको बस बेसहारा छोड़ देते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि सारे दूसरे भी जो NGOs काम कर रहे हैं वो साथ आए और कुछ इन लड़कियों के लिए या अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, एडुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करेगा आएंगे तो उनके सामने मैं बात रखूँ। आप मेरे को ट्रॉफी दे, शाल दे या नहीं दे, लेकिन ये मैं बात रखूँ उनके सामने, जो कि ये जो काम है वो आगे सरकार के माध्यम से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। किसी भी अकेले आदमी या NGO के लिए ये करना थोड़ा सा कठिन है, तो सबके साथ से होगा। तो आरटी फाउंडेशन किस क्षेत्र में काम कर रहा है, जनता की नीति और बात करें? ये जो है ये डेडिकेटेडली सिर्फ एंड सिर्फ अंगदान देता है, ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट उसके विषय में काम कर रहा है, ओनली फॉर दिस सोल पर्पस। मतलब ये है कि जो लोग ऑर्गन नहीं मिलने की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है वेटिंग लिस्ट में या विदाउट वेटिंग लिस्ट, ऐसे लोगों का ये प्रतिनिधि होता है। इसके लिए पूरा नाम रखा है, आप समझे, कोई एक व्यक्ति है जो ऐसे जो मृत्यु हुए उनके प्रतिनिधि करता है। और ये जब तक ये जो बहुत बड़ा गैप, जैसा मैंने अभी फिगर बताई, ये इतना बड़ा गैप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक किसी को भी प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, और ये मिशन वास्तव में। तो ये जो गैप है, ये गैप एक साल के अंदर कम करने का संकल्प बंद करके जीरो पे लाने का संकल्प करके मैंने ये काम किया। ये एक तरह फाउंडेशन ने जो एक इनिशिएटिव लिया है जो NGOs को फैसिलिटेट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया से इन लोगों ने NGOs को बुलाया था, उनको यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया और उनको अवार्ड से नवाजा। काफ़ी ऐसे NGOs से जो एक अलग ही यूनिक काम करते हैं जिनको अभी तक कोई रिकग्नाइज नहीं मिलता था। विक्रम जी ने और शीला जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि ये इनिशिएटिव लिया और इन लोगों को यहाँ पर बुला के फैसिलिटेट किया। इन्होंने जो एक NGO वाले ने जो किया आज के समय पर, जो कि इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, बहुत अच्छा लगा इसमें कि सब NGO वाले पूरा इंडिया में इतने भी हैं, सबको बुला कर इन्होंने एक हिसाब से नवी पहल की हुई है, एक दूसरे के पहचान के हिसाब से ही है। उसमें से एक मैं भी हूँ कि मेरा एक NGO है और मैं समाज सेवा के उसमें अपने यहाँ पर खाना खिला रहा हूँ गरीबों को, वो बच्चे के हिसाब से पढ़ाई करा रहा हूँ, अनाथ बच्चे के हिसाब से। ये सबसे मैं को मेरा ये है, एक सवाल है मेरा, वो मुझे सवाल का उनको जवाब देना है PM को, जो कि आज के ज़माने बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर अनाथ को आश्रम में छोड़ने जा रहे, तो मुझे उससे यही बोलना है कि वो आश्रम बंद किया जाए। वो माँ बाप को क्यों वहाँ पे छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो माँ बाप अपने बच्चे को खड़ा किया, नाम दिया, पैसा सब कुछ कमाने दिया, सब कुछ हुआ, आज वो बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को घर से निकाल कर आश्रम में जा रहे, उनका पैसा सब कुछ है, आज आश्रम में वो 25,000 रुपया 30,000 50,000 रुपया दे रहे हैं, आज उनको बोल रहे कि मैं माँ बाप को मुझे बुलाना मत, हमको हम उससे माँ बाप को देना देना नहीं है, तो क्यों है? इससे अच्छा माँ बाप को अपने बच्चे को घर से निकालना चाहिए, वो ऐसा कानून ऐसा रूल आना चाहिए कि ऐसा आश्रम बने नहीं, वो बने वो बच्चे के हिसाब से, माँ बाप के हिसाब से नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।